तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। विकसित भारत के काम के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान, सुविधाएं रखे गई है। नरेंद्र मोदी जी अपना अभिवादन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दक्ष मार्गदर्शन में हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। नए सूर्योदय के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विश्व स्तरीय स्टेशनों का सपना है, जो हर भारतीय का अपना है। माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए इस अमृत काल में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने का मास्टर प्लान के माध्यम से स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना
जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हम लोग ऐसा डांस टीवी पे देखते थे, आज पहली बार हम लोग ने साक्षात देखे हैं, इसलिए तालियां बजाकर इन बच्चों को प्रोत्साहन दे। अब आपके सामने एक भक्ति गीत सुनाया जाएगा जो कि देशभक्ति गीत सुनाया जाएगा। आदर्श मेरी श्री अजय कुमार जी, अजय कुमार मंडल जी, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं और उनका स्वागत CRSW श्री सुजीत कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां श्री अजय कुमार मंडल जी के लिए। और हमारे साथ में पीरपैती विधानसभा सदस्य श्री नगन कुमार जी भी आए। अमृता यादव को तालियों से उसका प्रोत्साहन कीजिए, किसी तरह अपना नाम रोशन करते रहे। किसी का अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों को नई आधारशिला के साथ, आधुनिकीकरण के साथ पुनर्विकसित किया जाएगा, जिसमें बहुत ही गर्व की बात है कि आपका शिवनारायणपुर स्टेशन को भी रखा गया है। एक बार जोरदार तालियां कि आपका शिवनारायणपुर स्टेशन को आधुनिकीकरण कर विकसित किया जाएगा, जिसको आप LED वीडियो बॉल के द्वारा दिखाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दक्ष मार्गदर्शन में हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। नए सूर्योदय के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विश्व स्तरीय स्टेशनों का सपना है, जो हर भारतीय का अपना है। माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए इस अमृत काल में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने का मास्टर प्लान के माध्यम से स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत निर्धारित किए गए 1309 रेलवे स्टेशनों में से पहले चरण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 में 508 स्टेशनों की आधारशिला रखी थी, जिसमें पूर्व रेलवे के अंतर्गत 28 स्टेशन शामिल हैं, जिसका काम तेज गति से किया जा रहा है। दूसरे चरण में पूर्व रेलवे की और 28 स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में पूर्व रेलवे के ये अमृत स्टेशन एक आर्थिक केंद्र बन जाएंगे। स्थानीय उपज और सामग्री को बड़े बाजार में तेजी से पहुंचाने का केंद्र बनने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल अवधारणा साकार होगी। केंद्र सरकार के प्रस्तावित दूसरे चरण में पूर्व रेलवे के इन 28 अमृत भारत स्टेशनों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। मालदा मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। इस पुनर्विकास कार्य में बांका स्टेशन के लिए 20.14 करोड़ रुपए,
धुलियान गंगा स्टेशन के लिए 22.25 करोड़ रुपए, गोड्डा स्टेशन के लिए 20.57 करोड़ रुपए, जंगीपुर रोड स्टेशन के लिए 25.13 करोड़ रुपए, मुंगेर स्टेशन के लिए 23.17 करोड़ रुपए, सबौर स्टेशन के लिए 20.47 करोड़ रुपए और शिवनारायणपुर स्टेशन के लिए 19.78 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अमृत काल में धन के प्रवाह और स्टेशन विकास कार्यों की प्रचुरता से इस विकसित भारत में रोजगार और नए व्यापार के अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास की बहुप्रतीक्षित अमृत का निरंतर प्रवाह होगा। केवल जोरदार तालियां, जैसा नाम लक्ष्य वैसे लक्ष्य को पा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये का कैश पुरस्कार भी दिया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां के लिए। इन्हें प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये का कैश राशि दिया जा रहा है, इनके लिए जोरदार तालियां। या तो शिवनारायणपुर से संचालित करवाया जाए या नहीं तो साहेबगंज से संचालित करवाया जाए, ये सदन में रखा जाए। और आपको जान करके खुशी होगी, 12-15 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अभिवादन होगा, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के मामले आपके सामने जल्दी करो बच्चा। नरेंद्र मोदी जी अपना अभिवादन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दक्ष मार्गदर्शन में हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। नए सूर्योदय के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विश्व स्तरीय स्टेशनों का सपना है, जो हर भारतीय का अपना है। माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए इस अमृत काल में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने का मास्टर प्लान के माध्यम से स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक करने की परिकल्पना की गई है। इस महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशन का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो बगैर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज।
2021 की 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 15 आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन गढ़ बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों विशेष दुकानें बनाई गई हैं। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाते हैं और LHP कोचों की भी संख्या